नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में हर व्यक्ति अपने घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर बनाता है ताकि वो नियमित रूप से अपने इष्ट का ध्यान कर सके। पूजा पाठ में बहुत सारी चीजें और अलग अलग धातुओं के बर्तन का भी इस्तेमाल होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक पूजा पाठ में इस्तेमाल की जाने वाली हर एक चीज बहुत ही शुद्ध और पवित्र होती है। ज्यादातर लोग दैनिक पूजा पाठ में स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूजा पाठ में स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करना सही नहीं माना गया है। पूजा करते हुए क्यों नहीं करनी चाहिए स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल और पूजा के लिए किस धातु के बर्तन रहते हैं सही, आइए आपको बताते हैं। माना जाता है कि पूजा पाठ में इस्तेमाल की जाने वाली अलग अलग धातु के मुताबिक ही फल की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ के कामों में स्टील, लोहा और एल्युमिनियम के बर्तन अशुभ माने गए हैं। साथ ही इन धातुओं की बनी हुई देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी पूजा के लिए शुभ नहीं होती। पूजा पाठ के कामों में इन धातुओं के इस्तेमाल न करने के पीछे का कारण है कि पूजा के लिए प्राकृतिक धातुएं शुभ मानी गई हैं, जबकि स्टील मानव द्वारा निर्मित धातु है तो वही लोहे में जंग लग जाती है, जिसके कारण ये पूजा योग्य धातु नहीं है। इसके अलावा एल्युमिनियम की धातु से भी कालिख निकलती है, इसलिए इन धातुओं का इस्तेमाल सही नहीं है। पूजा पाठ में सोने, चांदी, पीतल, तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करना ही सबसे सही है। इसके पीछे कारण ये है कि ये सब धातुएं प्राकृतिक रूप से पाई गई हैं। इसके अलावा इनके उपयोग का कोई नुकसान भी नहीं होता। साथ ही माना जाता है कि ये धातु केवल जलाभिषेक से ही शुद्ध हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।